गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज़ पहुंच रही है तब तक हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी क्लास शेयर कर देते हैं ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं हमारे साथ चलिए चलिए जी करते हैं स्टार्ट ये देखो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं करंट अफेयर का सेशन जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं वैसे जो मेरा टारगेट है वो मंडे का है कि मंडे को मैं अपलोड करूँगा जो हमारा सेकंड सेट आएगा बेस्ट 500 का सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मंडे को वो दे दूँ ठीक है बाकी हाँ ये है कि जो भी बच्चा कह रहा था अभी उनका 11 तारीख को पेपर है एम का एम का एम का मध्य प्रदेश का देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी बट हाँ ट्राई करूँगा मैं उस टाइम तक जो है आपको मैक्सिमम करंट अफेयर देने की बट बट मैं आपको साथ कहूँगा कि जहाँ पे भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो पढ़ लीजिए मेरे मेरे वीडियो तो आपको एक एक तरह से बूस्टअप करेंगे रिवीजन के लिए बूस्टअप करेंगे और जो चीज़ें हैं और मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होंगी न्यूज़पेपर से वेबसाइट से तो आपको एक तैयारी के लिए आपको एक पुश मिल जाएगा उससे करंट अफेयर वाले सेशन से ठीक है जी एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं सेशन को ठीक है एक मिनट में स्टार्ट करते हैं जी गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग देखिए होली खेलनी है तो फिर होली खेलते रहिए पेपर की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है कि बच्चे आप लोगों के पेपर आ रहे हैं ठीक है अरे बस करो यार तुम हैं तुम पीछे ही पड़ गए हैं <laughs> तुम ब्लू ब्लू रंग के पीछे ही पड़ गए हैं <laughs> ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू रेवोल्यूशन हद हो गया यार पर सही है चलो अच्छी बात है <laughs> चलो अच्छी बात है किसी किसी ना किसी तरीके से आपको चीज़ें पता तो हैं जी हाँ कल मैराथन क्लास होगी रात को नौ बजे <laughs> चलिए करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को ठीक है चलिए बहुत मजाक हो गया अब आ जाओ इधर आ, आ जाइए करते हैं सीरियस होके स्टडी अपनी तो आज हम आ, डिस्कस करने वाले हैं अपना सेशन यूपीएससी सीडीएस के लिए आज हम सेट फाइव डिस्कस करेंगे सेट नंबर फाइव और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल ठीक है ब्लू स्काई द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ओके चलिए जी और बढ़ते आगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे मेरे साथ एक लाख छत्तीस हज़ार प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं सारे लेक्चर्स पीडीएफ डी पेड कोर्सेज की जानकारी सब कुछ यहाँ पर शेयर किया जाता है और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे दो पेड कोर्सेज़ आते हैं टेन थाउजेंड कोर्स जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से एम सी किए हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज एम तो है ही प्लस यहाँ पर स्टेट पी को फोकस करके और जितने भी डिफेंस एग्जाम को फोकस करके एस एस सी रेलवे को फोकस करके अलग से मैंने फोल्डर भी तैयार किए हैं ताकि आपकी बेटर रिविजन हो सके और जो बच्चे जो बच्चों का पेपर अभी स्टेट पीसीएस का है एम पी का मैं आपको बता दूं पेड कोर्स से जो है आपका एस वाला सेक्शन ठीक है और डिफेंस वाला सेक्शन और स्टेट पीसीएस वाला सेक्शन वो मिस मत करके जाना ठीक है ये तीनों सेक्शन जो हैं जितना आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया चैप्टर वाइज जितना पढ़ना सा पढ़ लिया ये तीनों सेक्शन जो हैं आपके जो डिफेंस एग्जाम ये डिफेंस स्टेट एग्जाम और जो है आपका एसएससी वाला है ये सेक्शन मिस मत करके जाना जिनका ग्यारह तारीख को पेपर है ठीक है एम का पेपर है और आने वाले जो जो है पंद्रह बीस दिन में किसी का भी कोई स्टेट एग्जाम है आपका तो ये तीनों सेक्शन मिस मत करके जाना इस वाले सेशन से ठीक है और जी कोर्स जो है ये पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है इसके अंदर ये कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो देखिए जी आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हो दो जगह से स्टडी आई ऐप से और एक वेबसाइट से स्टडी कॉम जैसे ही आप इसको परचे खोलोगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इस व्यू ऑल के बटन को दबाना टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर तो जो भी आपको रिस्पेक्टिव कोर्स हैं वो लगाइए और डिस्काउंट लीजिए कोई भी डाउट होता है किसी भी टाइप का डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं समझ आया जी करते हैं आगे जी बढ़ते हैं चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जी पहले तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए चलिए जी क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द टैक्स इज एंड कलेक्टेड बाई द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट मतलब क्या कह रहा है जो टैक्स है वो सेंटर लगाता है कलेक्ट भी वही करता है लेकिन सब कुछ किसको दे देता है राज्यों को सौंप दिया जाता है ये किस टाइप का टैक्स होता है जी 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 जल्दी बताइए बिल्कुल यह बताता है आपका आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन बताता है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर टू सिक्सटी नाइन नंबर आर्टिकल बताता है जिसमें जो सेंटर है वो टैक्स लगाता भी है कलेक्ट भी करता है लेकिन राज्यों को दे देता है दो सौ एक नंबर आर्टिकल जो है बताता क्या है दो सौ एक नंबर आर्टिकल बताता है कि जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल चला जाता है तो वो अपनी वीटो पावर डालता है एसेंट देता है हाँ या ना करता है या उसको रोके रख सकता है सस्पेंसिव वीटो डालता है तो आर्टिकल टू जीरो वन के अंदर लिखा गया है समझ आया सॉरी गवर्नर की बात करूँ मैं मैं प्रेजिडेंट बोला गवर्नर गवर्नर अपनी उसके ऊपर जो है पॉकेट वीटो वगैरह डाल सकता है ठीक है थीके? थीके? हाँ जी जी हाँ मतलब मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है ना प्रेसिडेंट को बिल देना होता है उसने गवर्नर ने तो गवर्नर अपने पास रख ले रख के बैठ जाता है उस चीज को वो 201 में लिखा हुआ है मतलब गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को आगे बिल देगा और उसको देने से पहले वो अपने पास उसने रिजर्व करके रख लिया वो 201 में लिखा गया है समझ आया आप लोगों को जी अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ आपको आर्टिकल 280 भी पूछा जा सकता है इन्हीं सेम आर्टिकल्स में से 280 क्या बोलता है फाइनेंस कमीशन के बारे में जिस जिसमें आपका सेंटर स्टेट के बीच में पैसा डिवीजन करना जितनी भी ग्रांट्स आती हैं जितना भी पैसा आता है जितना भी टैक्स आता है सेंटर स्टेट में विभाजन करना कोई भी चीज़ हो जो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगी रिगार्डिंग पैसा पैसे के रिगार्डिंग मनी टैक्स ग्रांट्स कुछ भी ठीक है तो वो आपका फाइनेंस कमीशन करवाएगा और अभी हमारा फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरपर्सन कौन है एन के सिंह है एन के सिंह आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन चलिए जी अगला आंसर बताइए अच्छा ये आप आंसर बताइए अगला एक बच्चा बोलता है Consolidated Fund of India. वो टू सिक्स होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कॉन्टीजेंसी चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है शाबाश आंसर बताइए बारीपाड़ा जो है एक हेमलेट होता है जो आपका कंजर्व रखता है फॉरेस्ट को जो कंजर्व रखता है आपके फॉरेस्ट को और प्रमोट करता है ग्रोथ को हेमलेट है डेट कंजर्व फॉरेस्ट प्रमोट ग्रोथ ये आपका बिल्कुल सही है बारीपाड़ा और ये कहां पे है महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर के ऊपर है ये आपका पॉइंट गलत है ये कहां पे है उड़ीसा में देखने को आपको मिलता है बारीपाड़ा उड़ीसा में ठीक है तो पहला पॉइंट आपका सही है दूसरा पॉइंट आपका गलत हुआ तो आंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर वन ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा जी ठीक है जी 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 और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि ये बारीपड़ा जो है एक हेमलेट कहते हैं हेमलेट होता क्या है मतलब मिनिमम मैं मतलब मैक्सिमम कह सकते हो कि एक एरिया है कि जहां पे आपकी हज़ार नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब हज़ार लोग हैं वो वो अपने फॉरेस्ट को तो कंजर्व रख ही रहे हैं साथ के साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं वहां पर देखिए क्या कह रहा है ये बारीपाड़ा जो है ये एक इलाका है जो एक हेमलेट की तरह काम करता है जिसमें हज़ार लोग हैं और जो आपके फॉरेस्ट को तो रख ही रहे हैं साथ के साथ सतत विकास अचीव करने की किया। तो दो तीन क्वेश्चन जो है दिमाग में फटाफट घूम रहे हैं क्या फॉरेस्ट से आपको ध्यान से समझ आना चाहिए कि क्या? कि का आपका रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज परसेंटेज वाइज कहां पे है मिजोरम के अंदर है और ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट जो है आपका फॉरेस्ट रिजर्व है हमारे देश के अंदर क्लियर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के अंदर जो है आपका चिलिका लेक है चिलिका लेक के अलावा यहाँ पे जो है गाहिर माथा बीच है जहां पे ऑलिव रिले टर्टल जो है मास नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं अरीबदा कहा जाता है अरीबदा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है यहां पर बारीपादा लिखा हुआ है और यहां पे अरीबदा जो मास नेस्टिंग वगैरह होती है यहाँ पे और वन मोर पार्ट इज देयर यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है आपका भित्रकनी का नेशनल पार्क है यहाँ पे और चिलिका लेक है लेगोन लेक है आपकी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं समझ आया जी सो so आंसर इसमें ओनली वन ऑप्शन इज द राइट सेकेंड इज द रॉन्ग वन अगला बताइए धरती के अंदर मिलने वाली जो है मेटल पपड़ी में अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली जो मेटल है सबसे ज्यादा कौन सी है मैंने आपको बताया था अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करते हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में मिले यहां पे मेटल बोला है लेकिन मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं पहले मिलता है ऑक्सीजन देन मिलता है सिलिकॉन तीसरा मिलता है आपका एल्मीनियम और चौथा मिलता है आपका आयरन पांचवा मिलता है कैल्शियम कैल्शियम तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है पहले चार ही आपको याद करना है मेन तो अगर एलिमेंटल पूछा तो ऑक्सीजन मिलती है अगर मेटल पूछा तो पहले आपकी मिलती है आपकी एलमिनियम मेटल में एलमिनियम मिलती है समझ आया सो so, इसमें मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी होगी आपकी अल्मीनियम होगी आंसर इसमें अं सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर क्लियर तो ये आपको ध्यान रखना है अगर यहां पे पूछता सेकंड मेटल कौन सी है तो आपका आंसर क्या बन जाता आयरन बन जाता एल्युमिनियम के ऊपर बात करते हैं तो एल्युमिनियम की ओर कहां पे है कौन सी है बॉक्साइट और कोरंडम ये दो मेन ओर हैं इसकी एल्युमिनियम की समझ आया और आयरन की बात करते हैं तो सेकेंड मेटल है कौन सी ओर है इसकी हेमेटाइट मैग्नेटाइट ठीक है तो दीज आर फाइव ओर्स ऑफ द आयरन कॉपर की बात करते हैं तो वैसे तो सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट कॉपर को यूज करते हैं रीजन क्योंकि कॉपर सस्ता है सिल्वर से जिंक की बात करते हैं तो जिंक पायराइट और कैलमाइट ये आपके क्या हैं ओर हैं जिंक की और जिंक आपको इंसुलिन प्रॉपर बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है इंसुलिन जो है पैंक्रिया से रिलीज होता है और पैंक्रियाज के कौन से बीटा सेल से रिलीज होता है पैंक्रिया जो होती है एक आपकी मिक्स ग्लैंड होती है मिश्रित ग्रंथि देखने को मिलती है सो भाई इसका आंसर देख लो अब क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अर्थ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं क्रस्ट होता है मेंटल होता है और आपका कोर होता है क्रस्ट मेंटल और कोर और इसमें मैंने आपको डिवाइड करवाया था आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट अपर मेंटल लोअर मेंटल आउटर कोर इनर कोर और अगेन इनकी डिवीजन डेट इज़ आउटर कोर सॉरी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में यहाँ पे कॉन्ट डिस्कॉन्टीन्यूटी ठीक है और इनर क्रस्ट अपर मेंटल में यहाँ पे मोहरोबिक डिस्कॉन्टिन्यूटी और उसके बाद जो है अपर मेंटल लोअर मेंटल में यहाँ पे uh, जो है uh, रेपिटी uh, रेपिटी डिस्कॉन्टीन्यूटी और उसके बाद लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के अंदर यहां पे क्या होगी दैट इज गुटनबर्ग सॉरी हाँ गुटनबर्ग गुटनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी ठीक है और उसके बाद आउटर कोर इनर कोर के बीच में यहां पे लेमन सो आर द फाइव डिस्कॉन्टिन्यूटी जो बाउंड्री देखने को आपको मिलती है अलग अलग जगह के ऊपर और मैंने आपको बताया था क्रस्ट में आपको मिलता है सियाल और सीमा सियाल और सीमा सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम देखने को मिलता है और लास्ट में कोर में देखने को मिलता है निफे निफे मतलब निकल और आयरन देखने को आपको मिलता है यहाँ पे कोर वाले पार्ट में सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट समझ आया आप लोगों को हाँ जी बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए यहाँ पे आपकी जो है एलिमेंटल फॉर्म में है जो मैंने आपको बता ही दिया सबसे ज़्यादा और अगेन यहाँ पे मेटल फॉर्म में एल्यूमिनियम दूसरे नंबर पे आयरन देखने को मिलता है सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो सारे लिखे हुए हैं सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगला बताइए मार्केट इकोनॉमी जो होती है मार्केट अर्थव्यवस्था वो क्या होता है मार्केट इकोनॉमी इज जी मार्केट इकोनॉमी वर्ड का मतलब यहां पे क्या होता है मार्केट इकोनॉमी वर्ड का यहां पे मतलब क्या होता है ये आपका क्वेश्चन है तो देखिए आपको दिखाता हूं यहां पे देखिए मार्केट इकोनॉमी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी जहां पे आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं और इसमें जो है आपको बिजनेस फ्री आप मतलब कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं और सारा डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है तो दिस इज मार्केट इकोनॉमी इसको मैं और क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्ड यूज़ कर सकता हूं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारा काम प्राइवेट सेक्टर का होता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ भी नहीं होता जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं लेजस फेयर का फिनोमिना मतलब क्या हो गया कि जहां पे लेजर फेयर का फिनोमिना होता है वो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्री देखने को आपको मिलती है और वो होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी और ऐसी ही आपकी एक दूसरी इकोनॉमी होती है कमांड इकोनॉमी जहां पे आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है रेगुलेशन करने का प्राइस कंट्रोल करने का लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द सोशलिस्ट कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये देखने को आपको मिलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को आपको मिलता है अगर दोनों के गुण हैं वो आपका बन जाएगा मिक्स्ड जैसे आपका इंडिया है जिसमें आपका ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है कि पब्लिक सेक्टर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के गुण हैं आपके इंडिया के अंदर मतलब दोनों तरीके से आपका काम होता है यहाँ पे दट इज कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा मार्केट इकोनॉमी मतलब आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो यहाँ पे देखो जी क्या होगा आंसर बताओ इसमें क्या बनेगा यस इट इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा समझ आया जी बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर बी ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एग्जाम में दस लाइनें भी डाल देना ये आपको कि हाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये वन एंड टू वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड फोर ऐसे तो तब भी आप निकाल दोगे अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है चलिए जी अगला देखिए माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है कहां पे किस रेंज में देखने को आपको मिलता है माउंट आबू जल्दी से जल्दी बताइए जी माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है ये कहां पे देखने को मिलता है हम्म, जी बिल्कुल ये माउंट आबू जो है राजस्थान में है राजस्थान में आपका जो अरावलीज वाला पार्ट है और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है शिखर। बिल्कुल माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलता है अरावलीस के अंदर आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर अरावली जो है हमारी क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है ओल्ड फोल्ड माउंटेंस हैं और वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कौन सी हैं हिमालयस हिमालय ज्यादा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जो आपके टैथे सी से जिसका ओरिजिनेशन देखने को आपको मिलता है हिमालयस की ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848.86 8848.86 मीटर है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है सागरमाथा बोला जाता है ये आपको याद रखना है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में बात करते हैं तो बीच में एक नदी बहती है यहां पे डेट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर स्टार्ट कहां से होती है अमरकान प्लेटू से अमरकान तक प्लेटू से यहाँ से स्टार्ट होती है और उसके मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये गिर जाती कहाँ पे है ये गिरती है जाके आपके अरेबियन सी के अंदर अरब सागर के अंदर और ये क्या बनाती है वहाँ पे एश्चुरी बनाती है नर्मदा के साथ यहाँ पे तीन नदियाँ और हैं जो ऐश्चरी बनाती हैं अरेबियन सी के अंदर नर्मदा है और कौन सी है ताप्ती है माही है और साबरमती है ये ऐश्वरी बनाती हैं अरब सागर के अंदर वन मोर पार्ट देयर जो आपका नर्मदा रिवर है नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जबलपुर जबलपुर और वहां पे ये क्या बनाती है मार्बल फॉल्स बनाती है मार्बल फॉल्स बनाती है ये समझ आया नर्मदा रिवर और बीच में ये क्या बनाती है रिफ्ट वैली बिटवीन द विध्याज एंड सतपुड़ा और, और ब्लॉक माउंटेन्स का काम करती है सहादरी की बात करते हैं सहादरी जो होता है आपका ये वाला पार्ट दैट इज़ द वेस्टर्न घाट वाला पार्ट होता है और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी पर्वतों से टकरा के बारिश होती है वो होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल सबसे ज़्यादा जो साउथ वेस्ट मानसून आती हैं वो यहाँ पर टकराती हैं सहादरी वेस्टर्न घाट के ऊपर टकराती हैं और बारिश करती हैं और ऐस इस बारिश को हम क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है अगर आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी होती है साउथ वेस्ट मानसून मानसून में पूछा तो साउथ वे, साउथ वेस्ट मॉनसून अगर आपसे पूछा रेनफॉल का कॉन्सेप्ट में तो ओरोग्राफिक रेनफॉल उसका आंसर बन जाएगा समझ आया क्लियर चलिए अगला देखिए मेल एक्सेसरी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स हैं जिसमें इंक्लूड हैं वासाइफ्रेंशिया एपिडिडाइमस वास डेफर एंड कौन सी होती है और कौन सी होती है एक्सेसरी डक्ट कौन सी होती है इसमें से एक्सेसरी डक्ट जो है आपके मेल पार्ट के अंदर कौन सी होती है मेल सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में कौन सी होती है डैट इज कॉल्ड आपका रेटे टेस्टिस कहते हैं आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर इसमें आपको डायग्राम दिखाता हूँ अरे यार डायग्राम इस में इसमें चलो नेवर माइंड Uh, मैं उसमें पी में डाल दूंगा ठीक है पी में डाल दूंगा डालूंगा वहाँ पर देख लेना मैंने डाली थी पता नहीं मैं सेव करना भूल गया यहाँ पर बट अदरवाइज आपको मैं बता दूँ ये एक्सेसरी ऑर्गन है वास एफ्रेंशिया एपिडाइमस वास रेफरेंस रिलेटेट एस्टिस बस बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि नहीं पूछी जाती चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती ध्यान रखना चीज़ ठीक है क्योंकि रिप्रोडक्टिव uh, सिस्टम के बारे में आपको ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए हाँ एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए वी आर वी वी पैरस वी आर वी वी पैरस वी वी पैरस का मतलब क्या होता है जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करते ओवी पैरिस क्या होता है जो अंडे देते हैं ठीक है अंडे देते हैं तो डैड इज ओवी पैरिस और वी आर वीवी पैरिस समझ आया जी बिल्कुल समझ आया आप लोगों को जी बिल्कुल करें आगे अगला बताओ अगला आंसर बताइए फटाफट द मेरिस्टैम विच अकर्स बिटवीन द मेच्योर टिश्यू इज़ नोन एज मेरिस्टैम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके सेल डिवाइड करते हैं जहाँ पे आपकी मैक्सिमम ग्रोथ देखने को आपको मिलती है अगर दो टिश्यूज के बीच में दो मेच्योर टीश्यूज़ के बीच में अगर मैरिस्टैम वाला पार्ट आ जाता है टिश्यूज़ का पार्ट आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं तो डैट इज कॉल्ड आपका इंटर कैलरी अंत अंतवृषि जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी वर्ड कहा जाता है आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर दिखाता हूँ मैं आपको सो दिस इज अ इंटर कैलरी इन बिटवीन द ठीक है जो गर्थ को इंक्रीज करता है जी ये वाला पार्ट इंटर कैलरी जिसे हम कहते हैं क्लियर हो गया हाँ यहां पे आपकी रैपिड ग्रोथ होती है रीग्रोथ भी होती है मोनोकोट प्लांट्स वगैरह में देखने को आपको मिलती है यहां पे क्लियर सबको जी आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर इंटर अच्छा यहाँ पे ही आपका क्या है यहाँ पे देखिए इंटर वाला ये पार्ट हो गया मैरिस्टाइम वाला पार्ट और इसी से ही आपका जोन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलता है जहाँ से प्लांट जो है लंबा पैदा होता है इस तरीके से और यहाँ पे बीच में नो नोड्स होते हैं ये पॉइंट्स जो होते हैं ये नोड्स होते हैं और इनको आप इंटर नोड भी कहते हैं इंटर नोड भी कहा जाता है ऐसे समझ आया बिटवीन द टू नोड्स नो नोड्स के बीच में इंटर नोड्स होते हैं यहाँ पर और uh, यहाँ पे देखिए एक है आपका एपिकल एपिकल मेरिस्टेम इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट को अगर हाइट में इंक्रीज करना है तो एपिकल वाला पार्ट होगा लेटल वाला पार्ट होगा जो प्लांट को साइड वाइज ग्रो करवाना है ऐसे गर्थ में ऐसे चौड़ाई में इंक्रीज करवाना है ठीक है सो so, प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है आपका ये क्या होता है डर्मल टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यू में वेस्कुलर टिश्यू में ये डिवाइड हो जाता है आपका प्राइमरी वाला पार्ट ठीक है जी बिल्कुल तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर इंटर गैलरी करेक्ट आंसर अगला बताइए सिर्फ नाम के ऊपर क्वेश्चन है कि अच्छा ये ऐसा कौन सा फाइलम है जिसे हम फ्लैट कहते हैं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है नाम याद करना है, है। प्लेटी हेलमिंथस को कहते हैं आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर डी ऑप्शन अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम बताइए वो कौन सा होता है तो आर्थोपॉड ठीक है और दूसरा बड़ा होता है आपका मुलास्क दूसरा अब सबसे बड़ा फाइलम है आपका मुलस्क होता है आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर जी डी ऑप्शन बनेगा प्लेटी हेलमिंथस देखिए एक चीज होती है कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि सर ने यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों नहीं डिस्कस किया आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर की लिमिट कहां पे है कहां तक एग्जामिनर पूछेगा क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये जो चीज़ें हैं मैरिज टाइम को डिस्कस करना और भी चीज़ों को डिस्कस करना वो आपके आते हैं पीएमटी वगैरह के एग्जाम में ये बॉटनी वाला टॉपिक जो है उसमें आता है डिटेल में ठीक है हम समझ आया और ये फ्लैट वॉर्म को क्या कहते हैं हाँ इसके कुछ पार्ट्स पूछ लेगा वो आपको क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर देता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको फ्लैट वॉर्म को पूरा 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 पढ़ने बैठ जाए वो चीज़ नहीं है इम्पॉसिबल है ठीक है क्योंकि एग्जामिनर ना ही वो क्वेश्चन पूछेगा और ही पढ़ने का कोई फायदा है समझ आया जी ठीक है चलिए ये आपके, आ, है आपके फ्लैट वर्म देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए इनकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानेरिया फ्लूक एंड टेप वॉर्म ये होते हैं ठीक है क्लास टूर्बलेरिया क्लास टर्मेटोडा और क्लास ये आप पढ़ ही नहीं पाएंगे मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जब मैंने ट्वेल्थ में मैंने मैं मैं पढ़ा था उस टाइम पे मैंने रट्टे मारे थे पास होने के लिए वो भी रट्टे मारते थे उस टाइम पे ठीक है क्योंकि इतना जल्दी नाम याद नहीं होते क्योंकि इतने ज्यादा फाइलम है नहीं याद कर पाएंगे हां कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आप याद कर सकते हैं ठीक है बस इसमें आप एग्जांपल याद कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एग्जांपल पूछी जा सकते हैं कि किसकी है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्लैट वॉर्म एग्जाम्पल आपको अच्छे से आनी चाहिए प्लानेरिया फ्लूक्स टेप वॉर्म दिस इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट समझ आया जी चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला देखिए जी ग्रेप्स ग्रेप ग्रेप के अंदर जो है एसिड ग्रेप्स के अंदर जो एसिड है वो कौन सा होता है ग्रेप्स के अंदर ग्रेप्स के अंदर जो है अंगूरों में अमल का नाम बताना है कौन सा होता है देखिए लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो, तो चीज्या चीज्या ये मिल्क के अंदर होता है मिल्क के अंदर अच्छा लैक्टिक एसिड ही होता है जो हमारी बॉडी में बन जाता है मसल्स के अंदर जब आपकी मसल जो है पेनफुल होने लग जाती है कि ग्लूकोज जो है आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मसल्स के अंदर समझ आया फॉर्मिक एसिड होता है रेड एंड्स में यानी कि चीटियों तो में जब चीटियाँ काट लेती हैं फॉर्मिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड को हम और क्या कहते हैं एसिडिक एसिड 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 उसको कहा जाता है समझ आया एसिटिक की बात करते हैं सी एच थ्री सीओ एच कहते हैं और यहां पे इसको और क्या कहा जाता है इथेनोइक एसिड भी कहते हैं इथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है टाटरिक एसिड होता है आपका ग्रेप्स के अंदर तो आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ये क्या हो गया आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर जी टाटरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर टाट्रिक एसिड और एक चीज मैं आपको बता दू एसिड जो होता होता है है, ना, में भी जो वाइन वगैरह होती है रे, रेड वाइन वगैरह उसमें देखने को आपको मिलता है ये समझ आया जी एप्पल में मैलिक एसिड देखने को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है और ऑक्जेलिक एसिड रस स्पॉट को मिटाने में आपको काम आता है और क्या कौन से होते हैं एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाथरूम क्लीनर में यूज़ होता है और आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करवाता है क्योंकि आपकी बॉडी के ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है स्टमक के अंदर समझ आया एक्ारेगिया पूछा जाता है तीन पार्ट एच सी एल की और वन पार्ट आपका एच एन ओ थ्री का नाइट्रिक एसिड का दोनों मिलते हैं तो एक्वारेगिया अमल कहते हैं जो आपको हेल्प करवाता है किसमें गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह को शुद्ध करने में आपको हेल्प करवाता है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट समझ आया जी आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर यह है जी आपका टाटरिक एसिड अगला बताइए ओनली पेरिनल रिवर इन दैन इंडिया इज पेरिनल का मतलब क्या होता है कि सारा साल बहने वाली बारह मासी बारह मासी का मतलब क्या होगा कि सारा साल बहती है बारह महीने बहती है चौबीस घंटे सातों दिन बह, बहती है तो ये कौन सी रिवर है तो भाई ये रिवर है आपकी कावेरी रिवर आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर जी बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर कावेरी इज द करेक्ट आंसर अब कावेरी रिवर जो है स्टार्ट कहाँ से होती है कर्नाटक से कर्नाटक में कहाँ से ब्रह्मगिरी रेंज से ब्रह्मगिरी रेंज से और ये गिरती कहाँ पे आपका कावेरी सॉरी uh, कावेरी डेल्टा बना लेती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है लेकिन मैंने आपको बताया था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत बार पेपर में आता है चार जगह के ऊपर है तीन स्टेट एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर कर्नाटक के अंदर केरल के अंदर और आपका तमिलनाडु के अंदर तो यहाँ पे आपका मेनली देखने को मिलता है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट गोदावरी की बात करते हैं त्रिंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से और जाके कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर के ऊपर जो है आपका दो डैम है पोलावरम प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर जो है गर्जुना सागर डैम है यहां पे नागर्जुना सागर डैम ठीक है अगेन मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है और उसके बीच में एक नदी होती है एक लेक है डेट इज कॉल्ड कोलेरू लेक कोलेरू लेक बीच में आती है किस में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में आंध्र प्रदेश में समझ आया जी हां आंध्र आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क भी है वहां पे बिल्कुल आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर कावेरी इज द करेक्ट आंसर अगला आंसर बताइए ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर किनवेन किनवेन का प्रोसेस होता है द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्मड इज चीनी के किनवन के दौरान जो है चीनी का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है शुगर है उसके फर्मेंटेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन क्लियर और फॉमेंटेशन शुगर की जब होती है ग्लूकोज की होती है तो शराब बनाई जाती है डैट इज़ कॉल्ड इथाइल एल्कोहल आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा सी टू एच फाइव ओ एच से बनाई जाती है और इसमें जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज से बनाई जाती है सी टू एच सिक्स ओ सिक्स से बनाते हैं और इसमें आपका जायमेज इंजाइम होता है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइल एल्कोहल बनाने में आंसर इसमें बी ऑप्शन बनाएगा राइट आंसर इथाइल एल्कोहल इज़ द करेक्ट आंसर अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एनारोबिक कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में क्या बन जाता है लैक्टिक एसिड जो मैंने अभी आपको बताया था तभी जो है आपके मसल वगैरह के पूछा, और में common pathway कौन सा होता है मीनिंग ऑफ एयरबिक का मतलब मीनिंग ऑफ एनारोबिक एनारोबिक का मतलब होता है कि जहां पे आपकी एयर जो है एबसेंट है एयर एबसेंट का मतलब ऑक्सीजन एबसेंट है एरोबिक का मतलब क्या होगा जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें क्या होगा ग्लूकोज जो होगा ग्लूकोज जो होगा इसमें टूटेगा ग्लूकोज हवा में टूटेगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर समझ आया और एनारोबिक में मैंने आपको ही दिया कि ग्लूकोज जो टूटेगा वो किस में टूटेगा इथाइल एल्कोहल में शराब में कन्वर्ट हो जाता है का तो एक चीज देखो एरोबिक और एनारोबिक में दोनों चीजों में कॉमन चीज क्या है ग्लूकोज का टूटना और टूटने को आपके साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लाइसिस समझ आया और इसका मतलब दोनों में कॉमन पाथवे कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस द एरोबिक एंड एन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे कॉमन पाथवे कौन सा है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज का टूटना होता है और ग्लूकोज का टूटना ये कहां पे होगा ऑब्वियसली है सेल में होगा और सेल के अंदर क्या होगा पानी होता है दैट इज दैट मीन ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है साइटोप्लाजम साइटो मतलब सेल प्लाज्म मतलब पानी सो ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म अब एक क्वेश्चन और बताइए कि जो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि एरोबिक और एनारोबिक जो ये प्रोसेस है ये किसने ढूंढा था कि कॉमन पाथवे ग्लूकोज है तीन लोगों ने ढूंढा था ईएमपी ने ढूंढा था एमडन म्योरे पारसन एमडन म्योर पारसन ने ढूंढा था इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को समझ आया जी समझ आया आप लोगों को जी 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 बहुत बढ़िया तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा बाकी आपको एसिडिक एसिड एसेट बता ही दिया हाँ इथाइलिन पूछा जाता है एथिलीन पूछा जाता है ये गैस होती है आपकी जो फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करती है फ्रूट राइपनिंग में फ्रूट राइपने फ्रूट्स को पकने में अच्छा अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग कैसे होगी तो कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम कार्बाइड से आर्टिफिशियल राइपनिंग कैसे होती है कैल्शियम कार्बाइड से होती है समझ आ रहा है तुम्हें हैं जब बस वैसी बस वैस हाँ जी सर हाँ जी सर और लिखी जा रहे हो बस देखो जी इथेनॉल चलिए अगला देखो और पढ़ लो विच टाइप मोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया इंडिया में किस तरीके की डेमोक्रेसी देखने को आपको मिलती है जी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल मतलब सरकार 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 जो है भार मतलब लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई है तो यह टर्म किसने यूज करी थी गवर्नमेंट टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एब्राहम लिंकन जी ने अब्राहम लिंक जिन्हें वर्ड यूज़ किया था ये अब बात करते हैं कि इंडिया में कैसे होती है तो इंडिया में भाई ये होता है अगर आपसे पूछा जाए इलेक्शन तो हमारे देश में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मेनली जिसमें आपके एम एल के इलेक्शन जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो डायरेक्ट तो आपके क्या होते हैं इलेक्शन होते हैं लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर स्विजरलैंड वगैरह देशों के अंदर देखने को मिलती है प्रेजिडेंशियल की बात करते हैं जिसमें आपका प्रेजिडेंट के पास पावर ज़्यादा होती है और ख़ास करके आपके देखने को मिलती है यू वगैरह के अंदर समझ आया और रिप्रेजेंटेटिव uh, होती है हमारे इंडिया में जहां पे आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं नामांकन किया जाता है और उनको वोट की जाती है और आगे चुन लिए जाते हैं तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव और डिक्टेटरशिप uh, होती है जैसे आपके नॉर्थ कोरिया वगैरह जैसे लोग हैं कंट्रीज हैं वो डिक्टेटरशिप करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में कौन सी होगी आपकी सी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर समझ आया जी आंसर इसमें सी ऑप्शन जी सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी लॉ एंड रूल्स वोट करते हैं ये स्विट्जरलैंड वगैरह में और हमारे देश क्या करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इनको वोट करते हैं और ये आगे हमारे लिए कानून बनाते हैं समझ आया अगला देखो वन डोलर इक्लिप्स एक्सप्रेस सूर्य ग्रहण कब लगता है सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी बताइए सूर्य ग्रहण जब सूर्य दिखेगा नहीं सूर्य इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जब हम धरती से सूर्य को दिखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं वो क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में बीच में एक चीज आ जाएगी वो चीज क्या आ जाएगी मून आ जाएगा जब हम सूर्य को देख रहे होंगे सन को देख रहे होंगे तो इसका मतलब सन कब नहीं दिखेगा इक्लिप्स का मतलब क्या होता है ग्रहण लगना ग्रहण का मतलब क्या होगा कि हमें दिखेगा नहीं तो यही होता है ना इक्लिप्स तो इट मीन्स बीच में कोई चीज आएगी तो बीच में कौन चीज आएगी ऑब्वियसली बात है मून आएगा दैट मीन्स सन मून एंड अर्थ एक ही लाइन में जब आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका सोलर इक्लिप्स बन जाएगा तो यहां पे देखिए क्या बनेगा वेन द मून इज इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा समझ आया जी सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन यहां पे देखिए द सन मून एंड अर्थ अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब सन की तो लाइट आएगी आएगी तो अगर वो पार्शियल शेडो देता है तो वो क्या बनेगा पिनम्बरा अगर वो फुल शेडो दे देता है तो डेट इज कॉल्ड आपका अम्बरा अम्बरा और पिनम्बरा पूछा जाता है कि अगर फुल शेडो आती है तो अम्बरा कहते हैं पार्शियल शेडो आती है तो पिनम्बरा कहा जाता है तो पी पी से याद रखना पी फॉर पार्शियल शेडो पी फॉर पिनम्बरा बस इतना याद रखना ठीक है आपको पता लग जाएगा पेपर में समझ आया और एक चीज़ आपको और बताता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जब सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें जब टोटल सोलर क्लिप्स लगता है तो हमें क्या चीज़ दिखती है तो हमें सन की सिर्फ बा, बाहर वाली लेयर दिखती है एंड एंड डैट लेयर इज़ वो तो नाम ही कॉमन हो गया इतना कॉमन नाम हो गया आपके लिए ठीक है डैट इज कॉल्ड कोरोना सो डैट मीन्स कोरोना लेयर दिखती है हमें ठीक है कोरोना लेयर दिखती है हमें जब पूरा सन ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण लगता है समझ आया आउटर लेयर दिखती है हमें आउटर लेयर एंड डैट लेयर इज कॉल्ड यस डैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना समझ आया जी समझ आया जी अच्छा एक चीज आपको और बताता हूं कि जो सन की लाइट है हमारी धरती के ऊपर कितने टाइम में पहुंचती है 498 सेकंड एट सेकेंड में फोर सेकंड एट सेकेंड जिसका मतलब क्या हो गया आठ मिनट अठारह सेकेंड और मून की लाइट कितने टाइम में पहुंचती है वन पॉइंट थ्री सेकंड में पहुंचती है वन पॉइंट थ्री सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट से थ्री इंटू टेन एस्टोबार एट मीटर पर सेकेंड अगर वो किलोमीटर में डालेगा थ्री इंटू टेन एस्टूबार फाइव किलोमीटर पर सेकेंड चलिए अगला आंसर बताइए हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा महावीरा नालंदा महावीरा की कंस्ट्रक्शन जो है किसने स्टार्ट करवाई थी इनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नालंदा महावीर जो है ये आपका यूनिवर्सिटी है कहां पे बिहार के अंदर थी ठीक है और बुद्धिस्ट धर्म के लिए थी और बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह यहाँ पे होती थी और इसको बनाया था कुमार गुप्ता ने जो गुप्ता वंश का राजा था सी ऑप्शन बनेगा और इसको तोड़ मोड़ करके कौन चला गया था मतलब तोड़ कौन तोड़ के कौन चला गया था बख्तियार खिलजी ये बख्तियार खिलजी कौन है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है कमांडर इन चीफ है बख्तियार खिलजी ने धर्मपाल द्वारा बनाई गई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी तोड़ा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है बिहार में है उसको भी जो है बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने बुद्ध धर्म के अंदर ती, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी पाटलिपुत्र के अंदर और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के पर्सन कौन थे मोगाली पुत्तिस जिसे आप उपागुप्त कहते हैं और इन्होंने ही अशोक को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था और यहां पे पुस्तक लिखी गई थी अभिधाम पिटक लिखी गई थी मोगाली पुत्तिस द्वारा लिखी गई थी समझ आया और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को साउथ इंडिया भेज दिया था साउथ इंडिया मतलब श्रीलंका भेज दिया था बुद्ध धर्म का प्रचार करने सिलोन के अंदर अशोक ने लुम्बिनी के अंदर जो है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म जन्म स्थान है रोमनदई पिल्लर वहाँ पे बनवाया था रोमनदेही पिल्लर संगमित्रा इनकी बेटी है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी को आ, वहाँ पे क्या मिला था एनलाइटनमेंट मिली थी बोध गया के अंदर वहां पे पीपल ट्री के नीचे तो पीपल ट्री को काट किसने दिया था शशांक रूलर ने काट दिया था जो आपका बंगाल से था जब उसने काटा तो उसके बाद द्वारा से प्लांट किसने किया वहाँ पे इज द संगमित्रा ने जो अशोक की बेटी हैं इन्होंने किया हरिहर की बात करते हैं हरिहर जी हरिहर एंड बुक्का हरिहर एंड बुक्का जो विजयनगर एम्पायर है इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था यहां पे विजयनगर एम्पायर जो है तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है और अभी जो है विजयनगर थर्टी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक बन चुका है थर्टी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक जी समझ आया हम्म क्लियर जी अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी कहानियां कौन खोल के गया है हमारे सामने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कौन बता के गया है ह्यून संगून ने हमें बहुत बताया है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये ह्यून सांग को वही है जिनको आप क्या बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वर्ड यूज किया जाता है सांग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला सांग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन के टाइम पे आया था और इसने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा था इनके बारे में आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे देखो ये यूनिवर्सिटी वगैरह तोड़ फोड़ करके कौन चला गया था बख्तियार खिलजी अगला देखो चाइना जो है हमारा बॉर्डर शेयर नहीं करता किसके साथ चाइना का बॉर्डर जो है इंडिया के साथ कहां पे शेयर नहीं होता जल्दी से जल्दी बताइए जी पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन लाइन है इज कॉल्ड मैकमोहन और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पंचशील ट्रिटी पंचशील ट्रिटी किसमें साइन हुई है इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में ठीक है इधर हमारे नेहरू जी थे और उधर थे जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इनके बीच में जिसमें लिखा गया था हिंदी चीनी बाई भाई वर्ड यूज़ किया गया था जिसमें पांच चीज़ों के ऊपर ये रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को म्यूचुअल म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के आइडियाज़ को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नॉन एग्रेसिव रहते हैं एक दूसरे के लिए और किसी भी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल बेनिफिट देंगे इक्वल बेनिफिट देंगे पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना के रखेंगे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ ये ऐसा है देखिए किताबों में ही है ये सारी चीज़ें लेकिन आपको आपको पता है कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है इंडिया और चाइना के बीच में लेकिन हाँ ये है काफ़ी हद तक जो है पंचशील ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है समझ आया पंचशील ट्रीटी जो है 1954 में साइन हुई थी नाउ द क्वेश्चन इज चाइना किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती तो देखिए जी मैं हमेशा एक याद करता था चाइना हज यूएस ऐसे वर्ड मैं याद करता था हमेशा ठीक है अब जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में टूट गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो यहां पे जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर ना रह के एलवर्ड बनेगा ठीक है तो मैं हज यूएस याद करता था हमेशा चाइना की बाउंड्री जुड़ती है हज यूएस में ठीक है ऐसे यूज़ करता था तो जम्मू कश्मीर का पार्ट कौन सा जुड़ता है अब जम्मू कश्मीर टूट गया है लद्दाख वाला पार्ट जुड़ेगा दैट इज हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश लद्दाख उत्तराखंड और सिक्किम तो आंसर इसमें देखो कौन सा जुड़ेगा नहीं ए नहीं जुड़ेगा बिहार इज़ नॉट द बिहार इज नॉट बिहार बाउंड्री मतलब चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कौन नहीं करता बिहार नहीं करता तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी क्लियर हो गया आप लोगों को समझ आया जी आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर बिहार इज द करेक्ट आंसर अब यहाँ पे बिहार में मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ बताई दी गई थी बोधघिया ठीक है जहाँ पे पीपल ट्री था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है दो चीज़ें याद रख लो माउलिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे नामडाफ नेशनल पार्क है सिक्किम के अंदर सिक्किम हमारा बाईसवां राज्य था थर्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा इसको इंडिया में एंटर किया गया था सिक्किम जो है पहली ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बनी थी ऑर्गेनिक स्टेट थी हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को आपको मिलती है यहां पे हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है यहाँ पे आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ए ऑप्शन बिहार इज द करेक्ट आंसर जी हाँ जी कोसी इज द सौर ऑफ बिहार कोसी इज द सौर ऑफ बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क अगेन आपका देखने को मिलता है डैट इज इन द बिहार में जी अगला आंसर बताइए एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड अमेंडमेंट क्या होता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में बदलाव करना और ये किस में लिखा गया है आर्टिकल 368 के अंदर लिखा गया है जब भी अमेंडमेंट होता है किसी भी सदन से बिल स्टार्ट होगा लेकिन ये बिल पास होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी से क्योंकि अमेंडमेंट करना कोई इजी नहीं है संविधान में कोई बदलाव करना इजी नहीं है स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए होती है दो बटा तीन टू थर्ड ऑफ द हाउस से चाहिए होती है समझ आया तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा सो डी इज द करेक्ट वन क्लियर जी डी इज द करेक्ट आंसर और अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने कहां से लिया है साउथ अफ्रीका से लिया है साउथ अफ्रीका से हमने ये जो है अमेंडमेंट वाला पार्ट लिया है जी हां बिल्कुल आर्टिकल 360 और अगर आपसे पार्ट पूछा जाए तो पार्ट ट्वेंटी पार्ट ट्वेंटी में लिखा गया है भाग ट्वेंटी में लिखा गया है आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा चलिए जी अगला आंसर बताइए क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है ट इज अ पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं आर्थिक विकास के लिए दो टर्म्स होती हैं एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता चलती है जी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पता लगती है सकल घरू उत्पाद से पता लगती है और जीडीपी क्या होता है टोटल जो चीजें हैं आपकी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर तो टोटल वैल्यू जो है आपकी गुड्स और सर्विसेज की एक देश के अंदर प्रोडक्शन होने वाली तो डेट इज कॉल्ड आपका जीडीपी उसको कहते हैं समझ आया तो डेट इज कॉल्ड जीडीपी और उससे हमें पता लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें पता चलती है पर कैपिटा इनकम से और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन नेशनल इनकम को हम और क्या कहते हैं एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन क्लियर हो गया तो पर कैपिटा इनकम से हमें पता लगता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज पर कैपिटा मॉनिटरी इनकम इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया गया है रूरल इनकम ये कुछ नहीं बनेगा कोई रूरल अर्बन के ऊपर बात नहीं है नेशनल इनकम वर्ड यूज किया है तो नेशनल इनकम तो आपका पूरी कंट्री का पैसा है

समझ आया तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर पर कैपिटल इनकम इज द करेक्ट आंसर पर कैपिटल इनकम चलिए जी अगला आंसर बताइए अगला देखिए जी क्वेश्चन द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन जो है आपकी कहां से होती है एंटीबायोटिक है तो मतलब क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करेगी पेनिसिलिनम जो होती है फंगस से पैदा होती है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा पेनिसिलियम नोटेटम से आपका बनती है ये पेनिसिलियम नोटेटम से आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं माइकोलॉजी कहा जाता है माइकोलॉजी इसको कहते हैं फंगस की स्टडी को आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर पेनिसिलिन मिलती है आपके इससे ठीक है और किसने ढूंढी थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने ठीक है अच्छा अलेक्जेंडर से मेरे दिमाग में याद आता है अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है ये कौन है ये पुरातत्व डिपार्टमेंट के आपके हेड हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटीन सिक्सटी वन में बना था अलेक्जेंडर जिसे आप सिकंदर कहते हैं कहाँ से आया था मकदूनिया मैसेडोनिया से आया था हमारे देश में अटैक करने और दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है दूसरा सिकंदर कहते हैं हम किसको दैट इज़ अली गुरशप को वट इज़ अली हु इज अली गुरशप ये है मोहम्मद uh, ये है कौन डैट uh, इज़ uh, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को uh, दूसरा कहा जाता है दूसरा अलेक्जेंडर कहते हैं समझ आया जी चलिए आगे अगला आंसर बताइए अमंग द वर्ल्ड ओशंस विच ओशन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय शेल्फ सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी होती है पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है सो दिस आर द श्योर ये आपका कोस्टल प्लेन है ये आपका बिल्कुल कॉर्नर पे श्योर प्लेन है और उसके बाद नीचे जो आती है डेड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ फिर नीचे आपकी स्लोप बनती है डेट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप उसके बाद आपके ये वाले पार्ट बनते हैं कॉन्टिनेंटल राइज एबसीसल प्लेन वगैरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसकी बड़ी होती है यानी कि आपका कोस्टल प्लेन से नीचे वाला एरिया इज कॉल्ड आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहले आती है फिर स्लोप आती है स्लोप के बाद आपका क्या कॉन्टिनेंटल राइज़ देन उसके बाद एफसीसल प्लेन जो डीप प्लेन्स होते हैं इस तरीके से देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है याद करने वाला क्वेश्चन है ये मिलती है हमें आर्कटिक ओशन से आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर बनेगा समझ आया जी बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर आर्कटिक ओशन और ये हमें देखने को मिलता है साइबेरिया से साइबेरिया से क्लियर आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन अंटार्कटिक ओशन की अगर मैं बात करता हूं ये बनेगा बी अंटार्कटिक ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा अंटार्क्टिक के अंदर रिसर्च स्टेशन है कौन कौन से भारतीय और मैत्री दक्षिण गंगोत्री था लेकिन बंद है भारतीय और मैत्री हमारे रिसर्च स्टेशन है और ऐसा ही हमारा आर्टिक ओशन में भी हमारा रिसर्च सेंटर है वो कौन सा हिमाद्री और हमारे इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च है वो कहाँ पर है गोवा के अंदर गोवा की कैपिटल क्या है पंजी गोवा के अंदर जो है आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी है सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहां पे देखने को मिलती है और एंड हु इज द सलीम अली सलीम अली इज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया और बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है समझ आया तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर इंडियन ओशन हिंद महासागर जो हमारे इंडिया के बिल्कुल नीचे है अटलांटिक ओशन सबसे बिजेस्ट ओशन है यहाँ पे बिजेस्ट ओशन ये वाला है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड देखने को आपको मिलता है और यहाँ पे इसके सेंटर में एक रिज है डेट इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रिज मिड अटलांटिक रिज देखने को आपको मिलती है और एक ओशन को बोला जाता है कि जहाँ पे रिंग ऑफ फायर है रिंग ऑफ फायर मतलब आग ही लगी रहती है वहाँ पे और वो है आपका पैसिफिक ओशन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लेट्स हैं और वर्कैनोज आते हैं और अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं तो ये सब कुछ इसमें देखने को मिलता है समझ आया चले आगे आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर आर्टिक ओशन रेड सॉयल जो होती है ये कौन से रीजन्स में देखने को आपको मिलती है रेड सॉयल जी रेड सॉयल लाल लाल ऑब्वियसली बात है आयरन के कारण देखने को आपको मिलेगी जी बिल्कुल आयरन के कारण देखने को मिलेगी फर्टिलिटी नहीं होती इनकी फर्टिलिटी नहीं होती क्यों क्योंकि ये लीचिंग कर जाती है पानी पानी इसका नीचे चला जाता है लीचिंग हो जाता है तो इसमें हमें फर्टिलिटी वगैरह देखने को नहीं मिलती और नाइट्रोजन वगैरह इसके अंदर नहीं होता पूरे इन नाइट्रोजन कॉन्टेंट होते हैं बट हाँ ये है कि ये फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं लेकिन ये ध्यान रखना लीचिंग कर देते हैं लेकिन फर्टिलाइजर को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इसमें ना तो नाइट्रोजन होता है फॉस्फोरस भी नहीं होता ह्यूमस भी नहीं होता समझ आया जी तो इसमें आंसर क्या बनेगा रेड सॉइल कहां पे होती है दैट इज इन द ईस्टर्न एंड द सॉरी एक सेकंड के हाँ ईस्टर्न एंड द सदन पार्ट ऑफ डेकन के अंदर होता है आंसर इसमें क्या बनेगा सी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर दिखा देते हैं आपको सो so, ये वाला पार्ट है ठीक है ये वाला पार्ट रे, रेडिश जो दिखने को मिलता है ये वाला पार्ट है आपका रेड सॉइल वाला अच्छा एक चीज़ आपको बता ये चीजन प्लेटू है ठीक प्लेट है पे आपकी होती है ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल सॉइल में होती है आपकी जिसे आप कहते हैं कॉटन की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होती है सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होती है वो ये वाली जो ब्लूइश कलर की है एंड देट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल जलोड़ मिट्टी जिसे आप कहते हैं और ये हमें मिलती है फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के नीचे मतलब उसके पास फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं हिमालय से और इन नदियों से आके निकलती है फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया जो है आपका एलुवियल ऑयल से मतलब ढका हुआ है और एल्यूवियल ऑयल जो है आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एलुवियल सॉइल समझ आया जी चलिए मनसबदारी सिस्टम जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम बिल्कुल अच्छा सब सबसे ज्यादा मनसबदारी किसको मिलती थी मानसिंह को मिलती थी ये मानसिंह वही है जो पर, महाराणा प्रताप के साथ जिन्होंने युद्ध लड़ा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी पंद्रह ईस्वी में और मानसिंह किसके दरबार में रह रहा है अकबर के दरबार में नवरत्न में रहता है आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी ऑप्शन और अकबर जो है अकबर के दरबार में बहुत सारे नवरत्न और हैं अबुल फजल लगा लो अबुल फजल जो है इन्होंने लिखी थी आयने अकबरी आयने अकबरी ठीक है अकबर नामा और अबुल फैजी अबुल फैज़ी हैं यहाँ पे जिन्होंने लीलावती को ट्रांसलेट किया था अकबर के दरबार में अकबर जो है बीरबल भी रहता है जिनका नाम है महेश दास ठीक है महेश दास अकबर द्वारा धर्म स्टार्ट किया गया था दिन इलाही इसको अपनाने वाला जो है अकेला हिंदू कौन था बीरबल था तानसेन था जिनका नाम था रामतनु पांडे और ये गाते थे दीपक और और और, और मेघ मल्हार ये आपके राग गाते थे ठीक है मूला दो प्याजा ये भी थे टूडर मल सिस्टम टूडर मल सिस्टम टूडर मल थे फाइनेंस मिनिस्टर जो क्या करते थे जब्ती सिस्टम दहसाला सिस्टम जो टैक्स लेते थे अकॉर्डिंग टू द लैंड ये लगाया जाता था समझ आया सो so, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर और मुला दो प्याजा भी थे यहाँ पे ठीक है तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट right आंसर बाबर की बात करने तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी डेट इज कॉल्ड तुजू के बाबुरी जिसे आप कहते हैं बाबर नामा और इसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किसने किया था फारसी भाषा में चेंज किसने किया था अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम खान खाना ने अब्दुल रहीम खान खाना ने और यह भी नवरत्न में आता है अकबर के दरबार में समझ आया और बाबर को दफनाया पहले कहां पे गया था आगरा में बाद में कहां पे दफना दिया गया था काबुल में यह क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में हुमायूं के ऊपर लिखा गया है हमायूं नामा किसने लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं टॉम कहां पर है दिल्ली में जिसे आप क्या कहते हैं प्रोटो टाइप ऑफ ताजमहल प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है ये पता है तुम्हें हैं तुम्हें पता भी है या नहीं बस ऐसे ही हो रहा है <laughs> प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है इसको ठीक है और किसने बनाया था हाजी बेगम ने बनवाया था मलिक मोहम्मद मलिक मिर्ज़ा गियास और उसका बेटा सैयद मोहम्मद जिन्होंने डिज़ाइन किया था जो है आपका हमायू टॉम जहांगीर की बात करते हैं तो इसको आप पेंटर किंग कहते हैं और इनके दरबार में आगरा के किले में एक चेन लगी होती थी जिसे हम कहते थे जंजीर आदिल जंजीर आदिल जिसका नाम क्या था जिसका मतलब क्या होता था चेन ऑफ जस्टिस होता था और ये पेंटर किंग है तो बैक को इसके टाइम पे हमारे उगाना स्टार्ट किया था तो बैक को क्योन ने किया था हमारे देश में पोर्तगेज इनके टाइम पर पहला इंग्लिश पर्सन आया था मतलब परमिशन लेने आया था फैक्ट्री के लिए डैट वॉज़ विलियम हॉकिस जिसको परमिशन नहीं मिली थी और उसने जहांगीर ने अपने दरबार में रख लिया था उसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था फिर परमिशन किसको मिली थी थॉमस रॉय को परमिशन मिली थी ये आपको पता होना चाहिए समझ आया समझ आ रहा है तुम्हें जी चलिए जी बढ़ते हैं आगे लाइमस्टोन के ऊपर क्वेश्चन है लाइमस्टोन इज ए रॉ मटेरियल इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन जो होता है ये किस इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन और क्ले ये देखने को आपको मिलता है सीमेंट इंडस्ट्री में आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा सीमेंट के साथ मैंने आपको बताया था एक होता है जिप्सम आता है जिप्सम क्या करता है जिप्सम क्या होता है सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है और सेटिंग रिएक्शन को कम कर देता है रिएक्शन को धीरे कर देता है स्लो कर देता है लेकिन टाइम को बढ़ा देता है ये होता है जिप्सम का काम सीमेंट में ध्यान रखना फर्टिलाइजर वगैरह याद करने के अच्छा फर्टिलाइजर के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ था ग्रे रेवोल्यूशन हुआ था एल्यूमिनियम बता चुका हूं पेट्रोकेमिकल कंपाउंड जो होते हैं जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं डिटर्जेंट्स वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं क्लियर हो गया जी आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ये आपके जो रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, जिप्सम क्ले आयरन स्टोन कोल लेकिन मेन आपको याद रखें लाइम स्टोन और क्ले जो पेपर में पूछा जाता है आपसे लेकिन ये भी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं नेक्स्ट एनीमोमीटर जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है एनीमोमीटर जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है जल्दी से जल्दी बताइए बिल्कुल सही ये मेजर करता है आप सॉरी ये मेजर करता है आपकी विंड की स्पीड को आंसर इसमें सी ऑफ बी ऑप्शन बनेगा और एक स्केल होता है जिससे हम मापते हैं दैट इज कॉल्ड ब्यूफर्ट स्केल ये आपकी विंड की जो है मतलब मापा जाता है इसकी स्पीड वगैरह मापी जाती है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है थ्री इंटू टेन एस्टूबार एट मीटर पर सेकेंड और टेन एस्टूबार फाइव किलोमीटर पर सेकेंड दोनों में से कोई भी आ सकता है ये हो गया ये हो गया हाँ सेटेलाइट कौन कितनी हाइट के ऊपर छोड़ते हैं पैंतीस हजार सात सौ छियासी किलोमीटर के ऊपर डैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली छत्तीस हज़ार किलोमीटर और बिल्कुल अर्थ को मान के चलते हैं चौबीस घंटे में ये अपना चक्कर लगाती हैं वेस्ट टू ईस्ट क्लियर तो ये आपके क्वेश्चन है आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर स्पीड ऑफ विंड को मापा जाता है एनीमोमीटर सो so गाइज ये है, आज की के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और बाकी जो है सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम पे और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे ठीक है और मेरे साथ यहां पे जो है एक लाख छत्तीस हजार बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऐसे ही हम यहां पे टेन थाउजेंड एमसी कोर्स के अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं यहां पे डिटेल में यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो है ही है और अलग अलग एग्जाम को फोकस करके डिफेंस एग्जाम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी तो के लिए और एस एस वगैरह के लिए भी यहां पे मैंने फोल्डर तैयार किया हुआ है तो वो देख सकते हैं और ये वाला कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जीएस कोर्स मेरा पूरा का पूरा थे कोर्स है और इस थियरी कोर्स के अंदर आपको ये वाला कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हो स्टडी आई ऐप से या तो ऐप पर कर सकते हो या वेबसाइट से स्टडी जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स यहाँ पे व्यू ऑल का बटन टेन थाउजेंड एमसी का कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर समझ आया देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी जीएस पता है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी जीएस पता है ना तो मैं आपको कहूंगा कि टेन थाउजेंड एम सी कोर्स की तरफ जाइए और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता जीएस में एबीसी भी नहीं पता तो आपको पहले जो है बेसिक्स क्लियर कर लीजिए अपने जीएस कोर्स के साथ समझ आया और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी जीएस कोर्स अगर आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में है ठीक है तो आपको टेन थाउजेंड एम सी कोर्स बाय कर लेना है अगर कोई बच्चा जैसे एम पी पी एम पी एस सी और जो भी आपका आसपास कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम है अगर वो टेन थाउजेंड एम कोर्स को परचेज कर लेता है और अगर कुछ भी डाउट होता है ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना है उसको मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ पढ़नी है समझ आया मतलब जो बच्चों का एग्जाम छः महीने में है वो तो आराम से पढ़ते रहें सारा कुछ जिनका एग्जाम एक दो महीने में है ना वो मेरे से पूछें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछें मेरे से कि हाँ सर इसमें अभी बताओ मेरा इतनी तैयारी हो चुकी है और जो कितना तैयार और करना है क्या क्या चीजें फोकस करके रखनी है तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है बच्चे के साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मैसेज करने लग जाओ सर मेरा एग्जाम है एक महीने में मैं क्या पढ़ूँ सर मेरा क्या है ये करे जो एक्चुअल जेन्युन क्वेश्चन है ना वो पूछो ऐसा नहीं है कि हाँ अगले साल की तैयारी कर रहे हो और आज से पूछ रहे हो मेरे से तो आप सारा सब्जेक्ट पढ़े अगर आपका छह महीने सात महीने बाद पेपर है अगर आपका आज मतलब एक महीने में एग्जाम है ना तो मेरे से पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टेन थाउजेंड कोर्स में क्या चीज़ फोकस करके जाना ज़्यादा ठीक है सो गाइस टेक केयर बाय सुबह मिलते नौ बजे थैंक यू सो मच गुड लक